नमस्कार दोस्तों, ऋषभ क्रिएशंस की एक और नई वीडियो में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं योयो हनी सिंह नहीं योयो के एच स्कूटर के बारे में, जो कि है एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और ये काफ़ी दिखने में काफ़ी क्यूट मिनी और इलेक्ट्रिक स्कूटी है और यार ये काफ़ी बजट में आती है। तो आज हम इसकी रिव्यू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके क्विक लुक्स के साथ। तो ये एक मिनी स्कूटी है जो कि दिखने में काफ़ी क्यूट है, इलेक्ट्रिक है और यहाँ पे फुल LED लाइटिंग्स दी गई है और ये कुछ स्कूटी पेप्ड की तरह दिखती है, लेकिन यार ये काफ़ी क्यूट लगती है देखने में। पावर की बात की जाए तो यहाँ पर वो 250 वाट का ब्रशलेस DC मोटर देखने को मिलता है, जिससे आप 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अचीव कर सकते हैं। माइलेज की बात करूँ तो 70 किलोमीटर का आप राइड ले सकते हैं सिंगल चार्ज पर। बैटरी पावर है, 5 बैटरीज दी गई है, 24 AH की VLL बैटरीज है, लेकिन 70 किलोमीटर तो कंपनी क्लेम करती है, लेकिन हमने जब इसे ऑन रोड टेस्टिंग किया तो हमने पाया 50 किलोमीटर के आसपास इसका एवरेज रहा। सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको फ्रंट में डुअल टेलीस्कोपिक फॉक देखने को मिलता है, बैक में डुअल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। मीटर आया आपको डिजिटल देखने मिलता है, जहाँ पर आपको स्पीड, बैटरी, टाइम और डेट देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर राइडिंग एक्सपीरियंस, वो भी अच्छे और बुरे दोनों की बात करें, तो यार स्कूटी काफ़ी छोटी है। यह जो लोग हमारे हेल्दी है, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनके लिए बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस होगी। अगर खासकर इसमें दो लोग, मोटे लोग या यूकेलेयर बैठ जाएँ तो ये काफ़ी उन लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस की जाती है। सीटिंग एरिया बहुत छोटा किया गया है, लेकिन ये ट्रैफिक से काफ़ी आराम से निकल सकता है और ये काफ़ी लाइट है ड्राइव करने में। ये दोस्तों इसको चलाने में मज़ा आ गया। और अगर मैं बैटरी कॉस्ट की बात करूँ तो लगभग 12,000 रुपये के आसपास आपको ये बैटरी मिल जाएगी। 2-3 साल की यहाँ पर बैटरी लाइफ कंपनी कहती क्लेम करती है, लेकिन ऑन द ड्राइव मेरे ख्याल से अगर 2-3 तो 2.5 साल तो यार चलनी चाहिए बैटरी, एटलीस्ट 2 साल तो चले। लेकिन यहाँ पर बात करें यार ये ओके है, ये बेस्ट नहीं है, ये ओके है। इसकी प्राइस क्योंकि 43,000 रुपये के आसपास है, और 43,000 मानता हूँ ये बहुत सस्ता है, और लेकिन यार डिज़ाइन को काफ़ी छोटा किया गया है। आप इसे जब अपने आंखों के सामने देखेंगे तो कहेंगे बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी यार गुड है, लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा है और डेली कम्यूट आने जाने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा डाउट मुझे लगा कि इसके जो बैटरी सेक्शन है वो बिल्कुल खुले में लगाई गई है, नीचे है, लेकिन यार यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। वैसे तो मुझे लगता है कि यार वाटरप्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि यार अगर ये सब गाड़ी अगर पानी पड़ती तो पूरे बाइक में करंट आ सकती है। तो इसको लेने से पहले जहाँ भी आप ख़रीदने जाएं भाई, वहाँ ये बात क्लियर कर लीजिएगा मेरे तरफ से भाई। खास अगर आप कहेंगे तो भाई आपकी रिक्वेस्ट पे आपको हम लोग इसे टेस्ट करके भी देख लेंगे आगे, लेकिन प्लीज़ एक बार आप यहाँ पर पूछ जरूर लीजिएगा इसे लेने से पहले। तो आज की वीडियो के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए एक लाइक बनता और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दीजिए। और चलिए स्वागत करते हैं आपका इस चैनल में। तो आज की वीडियो नहीं, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना खूब ध्यान रखिए, ऑल गुड बाय।